इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आम आदमी पार्टी हरियाणा के नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अनुराग डांडा वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि चित्रा सलवारा को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को राष्ट्रीय सह सचिव बनाया गया है। पूर्व सांसद अशोक तंवर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जहां आम आदमी पार्टी हरियाणा के नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आम आदमी पार्टी हरियाणा के नए पदाधिकारियों के नामों की आज घोषणा हुई है, इसको लेकर क्या अहम जानकारी? आम आदमी पार्टी हरियाणा के नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा हुई है। आपको बता दें कि अनुराग डांडा वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। चित्रा सलवारा को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही पूर्व सांसद अशोक तंवर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं और निर्मल सिंह को राष्ट्रीय सह सचिव बनाया गया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा के नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है, इसको लेकर क्या नए बदलाव किए गए हैं? आकांक्षा, देखिए, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि अनुराग डांडा वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रदेश उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है, जिनमें चित्रा सरवारा का नाम अहम है। इसके साथ ही साथ पूर्व सांसद अशोक तंवर को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है और उन्हें सह सचिव नियुक्त किया गया है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी अब हरियाणा पर अपना फोकस करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये नियुक्तियां साफ तौर पर संकेत दे रही हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के चुनावों को लेकर कितनी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही मैं आपको बड़ी खबर एक और ये भी दे दूं कि हो सकता है कि आज ही जो हरियाणा के जिला अध्यक्ष हैं उनके नामों की भी सूची आम आदमी पार्टी द्वारा जारी कर दी जाए, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आकांक्षा, ठीक है आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।